नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मा टाइम्स। फार्मा टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेक्सोना टेबलेट के विषय में। ये सस्ती होने के नाते लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लोग इसका बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग इसको अपना वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पता होता है। तो आज मैं इसीलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा इसके इस्तेमाल के साथ साथ में इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है आपकी बॉडी पे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल के, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस बीमारी में करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को किसी प्रकार की एलर्जी है तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को स्किन डिसऑर्डर है, मतलब स्किन प्रॉब्लम है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित बीमारी है, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी में सांस की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर डॉक्टर्स दवाइयों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है आपके बॉडी पे, मतलब आप जो दवा खाते हैं उसके रिएक्शन को बढ़ा देता है और उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर देता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसका सेवन करते जाते हैं लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, तो आपको ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। दोस्तों, अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है आपकी बॉडी पे। लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपना वेट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसको आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके चेहरे पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, आपको स्वेलिंग हो सकती है, और आपके शरीर में अधिक पानी जमा हो सकता है, मतलब डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड्स, और आपको मसल्स वीकनेस हो सकती है, आप मतलब आपका मांस कमज़ोर हो सकता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देता है, बहुत ख़तरनाक होता है अगर इसका सही तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए तो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की, इसमें कौन सा फार्मूला डाला गया है। तो इसमें डेक्सामेथासोन 0.5 mg में मौजूद होता है, जाइडस कैडिला का ब्रांड है, ये मात्र 4 रुपये की स्टिफ है। दोस्तों, अब इसके प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कब कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे आपको कोई हार्ट डिजीज़ है या आपको कोई भयानक बीमारी है, तो बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल ना करें। अगर कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंसी होने वाली है, तो उस केस में भी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और यदि आप पहले से कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।